अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ ट्रैवल विद किचन सफ़रा एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन और ज़ायकेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ज़ायकेदार होती है। यह है फटे हुए दूध की सब्ज़ी। अक्सर गर्मियों में दूध फट जाता है और हम सोचते हैं इसका क्या करें, इसे फेंक दें, लेकिन अब बहुत ही ज़ायकेदार रेसिपी इससे तैयार होगी। ये फटा हुआ दूध है, करीब 2 थैली दूध है जिस जो फट गया था। उसको इस तरह से पानी निथार के इसको निकाल लीजिए और उसमें पड़ने वाली ये वेजिटेबल टमाटर हैं, 2 प्याज हैं और 1 बड़ी शिमला मिर्च है। ये सूखे मसाले हैं, बघार के लिए ज़ीरा, हरी मिर्च जिसे हमने ऐसे चीरा लगा के कर लिया है, और ये सूखे मसाले हैं, लाल मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और ज़रा सा गरम मसाला, ये कसूरी मेथी है। चलते हैं बनाने फटे हुए दूध की सब्ज़ी। शुरू करते अपनी रेसिपी। पहले हम इसमें कढ़ाई में जो है जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तो इसमें जो है ये हरी मिर्च जो हमने ऐसे चीरा लगा के रखी है वो डाल देंगे। मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि हमारा तेल बहुत तेज़ हो गया था, इसलिए हल्का हो गया। इसमें अब ये हरी मिर्च डाल देंगे। जब हरी मिर्च जैसी तड़क जाएंगी तो इसमें जो है हम प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी करना है, पूरा नहीं करना है, हल्का करना है। जब इसका रंग ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें और मसाले डालेंगे। देखिए हमारी प्याज हो गई है, बस इसी स्टेज के ऊपर हमें टमाटर डालना है। यकीन जानिए ये इतनी जायकेदार बनती है कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। इसको आप किचन में भी रख सकते हैं और जो है पराठे और पूरी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें अब हम नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इसको टमाटर को थोड़ा गल जाने दीजिए। टमाटर गल गए, अब हम जो है अपने सूखे मसाले डालते हैं। ये धनिया है 1 चम्मच, ये सूखी लाल मिर्च है 1 चम्मच और ये 2 पिंच हल्दी है। बस हल्दी कलर के लिए बस डलना होती है। इनको अच्छे से भून लेंगे। अगर आपका मसाला लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल के भून लीजिए, मसाले जलना नहीं चाहिए, उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती है। क्या हमारा मसाला भुन गया है, अब इसमें थोड़ी देर हम शिमला मिर्च डाल के गलाएंगे। 1 बड़ी शिमला मिर्च थी जो हमने ऐसे बारीक काट ली है। देखिए हमारा मसाला भुन के एकदम तैयार हो गया। शिमला मिर्च भी गल गई है। शिमला में ज़्यादा नहीं गलाना है, इतनी रहे कि इसका क्रंच बाकी रहे। देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम भून के तैयार हो गई है। सब तेल ऊपर आ गया, बिल्कुल ड्राई हो गई है मसाला। अब इसमें जो है हम अपना जो दूध फटा हुआ था उसको डाल देंगे। इसे थोड़ा सा जो पानी है वो इसमें मिलाने के बाद सुखा देंगे। ऐसे मिक्स कर लें और इसको जो पानी दूध में है जैसा उसे भून लें खूब अच्छी तरह से। देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम बन के रेडी हो गई है, भुन गई है। जो पानी था वो भी सूख गया है बहुत अच्छे से। अब इसमें इस टाइम पे हम लोग गरम मसाला डालेंगे और ये कसूरी मेथी है, इसे इसे करके डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे।
थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे। देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आइए अब गैस ऑफ करते हैं और अपनी डिश आउट करते हैं। आइए अपनी डिश आउट करते हैं सर्व करने के लिए। देखिए बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें से। इसको आप सैंडविच डिश का बना सकते हैं, पराठे और पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे। हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी खट्टे दूध की। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।